हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर हमारा जीआईएससी प्रवक्ता के लिए जो राजनीति सिद्धांत के अंतर वस्तु है उसे लेकर आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपसे, जो कि आपका यहाँ पर राजनीति सिद्धांत की परिभाषा, अर्थ और उसके मीनिंग के बारे में, कि अलग अलग जो यहाँ पर राइटर्स हैं उन्होंने क्या कहा जो राजनीति सिद्धांत से रिलेटेड है। तो ये लेक्चर थर्ड होगा और ये लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट यही नहीं बल्कि यूजीसी नेट, जेआरएफ और प्लस आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। यहाँ पर राजनीति सिद्धांत के अंतर्वस्तु, यदि बात करते हैं राजनीति, एक राजनीतिक कार्यकलाप के रूप में सामान्यतः स्वयं चेष्टारत व्यवहार, मिथ्याचार व प्रवृत्तियों के व्यवहार कौशल को प्रदर्शित करते वैराग्य प्रधान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। इस नकारात्मक संप्रतार्थ का शायद ही कोई आधार हो। राजनीति सिद्धांत न तो राजनीति कार्यस्थानी का कोई सिद्धांत है, न ही राजनीति कुचक्रों का कोई परिकल्पना। यह तो उस चीज का अनुशासनबद्ध अन्वेषण है जो राजनीति को संगठित करता है। इसकी विषय वस्तु समय समय पर बदलती रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपने देखा कि जो राजनीति, यहाँ पर बात करते हैं राजनीति, राजनीति क्या है? राजनीति एक कार्यकलाप के रूप में है। कैसे है? कार्यकलाप के रूप में, जैसे हम जो कार्य करते हैं उनके, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं उनका है। यह स्वयं चेष्टारत व्यवहार करता है, मतलब हमेशा एक्टिव रहता है। इसमें मिथ्याचार प्रवृत्तियों व्यवहार कौशल को प्रदर्शित करते वैराग्य प्रधान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। इस नकारात्मक संप्रथा का शायद ही कोई आधार हो। राजनीति सिद्धांत न तो राजनीतिक कार्यस्थानी का कोई सिद्धांत है, न ही राजनीतिक कुचक्रों की कोई परिकल्पना। मतलब कोई जो अलग अलग कुचक्र होते हैं, अलग जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में ऐसा कोई यहाँ पर कोई परिकल्पना नहीं है। बल्कि क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, एक अनुशासनबद्ध अन्वेषण है। कैसा है? अनुशासनबद्ध मतलब सिस्टमेटिक रिसर्च है जो राजनीति को, किसको, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है उसको संगठित करता है, मतलब एक ग्रुप में बांधता है, यहाँ पर टाई करता है उसको। इसकी विषय वस्तु समय समय पर बदलती रहती है और जो इसकी विषय वस्तु है यहाँ पर वो क्या होती है, चेंज होती रहती है टाइम बाय टाइम। इसी तरीके से कुछ पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा में भी इसके बारे में कुछ विचार रखे गए। प्राचीन यूनानियों से लेकर 18वीं सदी के अंत तक राजनीति सिद्धांत ने स्वयं को अधिकतर राजनीति को क्या होना चाहिए से संबंध रखा है, मतलब राजनीति क्या है, कैसी होनी चाहिए। लगभग पूरी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीति सिद्धांत में मुख्यतः एक निर्णय निकाय के रूप में सरकार की प्रकृति व संचयन का ही क्रिया व्यापार आता था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे। इसके बाद यहाँ पर देखा गया कि तदुपरांत एक ऐसा काल आया जब विज्ञानवाद के प्रभावधीन कुछ अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति सिद्धांत के हस्तांतरण को उनके अधिकांश ब्रिटिश परंपरावादी लोगों के विरुद्ध घोषित कर दिया, जो राजनीति सिद्धांत के मूल्य की एक राजनीतिक कार्रवाई के मार्गदर्शक के रूप में वकालत करते थे। संसार के तेजी से बदलते स्वरूप के साथ राजनीति सिद्धांत ने विचारधारा की समाप्ति व इतिहास का अंत निहित बहसों के भीषण आक्रमणों में सुखपूर्वक अपनी जीविता बनाए रखी। राजनीति सिद्धांत का कार्य व्यापार वर्तमान में सरकार की प्रकृति व उचित प्रयोजनों को दोनों ही हो गया है। मतलब यदि बात करें हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो एक ऐसा काल भी आया था जब विज्ञानवाद के प्रभाव, ठीक है, प्रभावधीन कुछ अमरीकी राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीति सिद्धांत के हस्तांतरण को उनके अधिकांश ब्रिटिश परंपरावादी लोगों के विरुद्ध घोषित कर दिया। मतलब क्या है ये, अमरीकी ऐसा कहा कि भाई ये क्या है, ये ब्रिटिश के लिए जो परंपरावादी लोग थे उनके विरुद्ध है। फिर उसके बाद में मूल्य राजनीतिक कार्रवाई के मार्गदर्शक के रूप में वकालत करते थे। वे क्या कहते हैं, राजनीति सिद्धांत के जो मूल्य हैं, किसे, राजनीति कार्रवाई के, राजनीति जो राजनीतिक एक्टिविटी होती है उनके मार्गदर्शक के रूप में माना जाता था। कैसे माना जाता है, मार्गदर्शक की, जो राजनीति में कोई भी एक्टिविटी की जाती है वो कैसे है, एक मार्गदर्शक या उसके गाइड के रूप में माना जाता है। इसी तरीके से उन्होंने संसार के तेजी से बदलते स्वरूप के साथ राजनीति सिद्धांत ने विचारधारा की समाप्ति इतिहास का अंत नीत बहसों के भीषण आक्रमणों में सुखपूर्वक अपनी उत्तरजीविता बनाए रखी है। मतलब यहाँ पर अपनी अपनी नई नई विचारधाराएं लेकर आया, समय समय पर बदलती विचारधाराएं लेकर आया। राजनीति सिद्धांत का कार्य व्यापार वर्तमान में सरकार की प्रकृति में उचित प्रयोजन दोनों हो गया। मतलब कैसा कार्य किया जाना चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए और सरकार की क्या प्रकृति होनी चाहिए, तो इसके बारे में सारा रिलेशन किसमें, राजनीति सिद्धांत से जुड़ गया।
राजनीति सिद्धांत के लिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर राजनीति सिद्धांत राजनीति दृश्य घटना के अनुशासनबद्ध अन्वेषण के रूप में, कैसा है अनुशासनबद्ध, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम कोई भी चीज एक्टिविटी करते हैं उसका अन्वेषण रिसर्च, ये बात तो बार बार आ रही कि अनुशासनबद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका क्या करना, अन्वेषण करना, उसकी खोज करना, क्या सही है क्या गलत है। जैसे सरकार के संस्थाओं के रूप में उस पूरी राजनीति प्रणाली के क्या क्या क्यों से क्यों वह क्या से निकट से जुड़ी है, जिसमें सरकार कार्य रूप में रहते हैं, मतलब जो कार्य करती है सरकार, जो किसी भी प्रकार के कार्य करती है उनसे जुड़े हुए कार्यों के संबंधित इस अध्ययन करना, उनकी खोज करना, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करना उस प्रश्न का अध्ययन करना है जिसमें वह विद्वान होता है। राजनीति सिद्धांत को राजनीति व्यवस्था के दायरे में, राजनीति व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, सामाजिक व्यवस्था को उस अवधि जिसमें वह विद्वान है और उस परिवेश जिसमें वह पलता है में समझने समझे जाने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर हमारी क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड की हो गए, क्लियर हो गए। राजनीति सिद्धांत को राजनीति व्यवस्था के दायरे में, राजनीति व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, सामाजिक व्यवस्था को उस अवधि जिसमें वह विद्वान है और उस परिवेश जिसमें वह पलता है में समझ जाने की आवश्यकता है। दूसरा यदि बात करते हैं हम लोग राजनीति सिद्धांत की विषय वस्तु में, इस बात की समझ शामिल है कि सचमुच राजनीति क्या है और जो गैर राजनीतिक है उसके साथ साथ राजनीति को जोड़ने उसकी अपनी प्रकृति जानने के लिए बहुत से सामाजिक विज्ञानों के परिणामों को एकीकृत करना व समन्वित करना इसका कार्य क्षेत्र जो इसके तहत आता है वही तक ही सीमित नहीं बल्कि वहां तक जो इसकी परिधि व उसके परे भी विद्वान है। मतलब राजनीति सिद्धांत की जो विषय वस्तु की बात की जाए तो राजनीति क्या है, जो गैर राजनीतिक है उसके बारे में भी, और राजनीति से जुड़े जितनी भी प्रकृति उनके बारे में, सभी के बारे में अध्ययन करना इसका आता है। यदि इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इसका क्या है, सीमित नहीं है, एक सीमित बल्कि ये अपने परिधि में भी और परिधि के बाहर भी इसमें हम लोग बात करते हैं। कुछ इसकी बात करते हैं राजनीति के बारे में, कुछ बातें कही गई है यहाँ पे तजवीज़ करते कहते हैं कि राजनीति है उसे परिभाषित करने का कार्य सतत कार्य है। जैसे सैलन वॉलिन कहते हैं अपनी पुस्तक में, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड विजन, देखिए जितने भी पुस्तक आती है आपकी बुक्स किताबें आती है उनको आप नोट करते जाइए लिखते जाइए ताकि आपको आसानी से सरलता से क्वेश्चन, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो यहाँ पर आपका पता होना चाहिए। राजनीति सिद्धांत की विषय वस्तु के निम्नलिखित शामिल करते हैं, वो क्या कहते हैं, समूहों व्यक्तियों तथा समाजों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु तलाश के इर्द गिर्द केंद्रीभूत होती इस प्रकार की गतिविधि है, एक प्रकार के कार्यकलाप जो इस तथ्य के अनुरूप है कि यह परिवर्तन व अपेक्षित अभाव की स्थिति में होता है, एक प्रकार का कार्यकलाप जिसमें लाभकारी के लक्ष्य ऐसे महत्व के परिणाम पैदा करते हैं कि पूरे समाज अथवा उनके एक खास हिस्से को वे एक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, है ना। दूसरा देखते हैं, यहां पर हम लोग एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, सेल्डन वाले वॉलिन क्या कहते हैं, समूह व्यक्तियों अथवा समाजों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु तलाश के इर्द गिर्द केंद्रीभूत होती एक प्रकार की गतिविधि, मतलब जो व्यक्ति है, समूह है, जो समाज है, उनमें जो प्रतिस्पर्धा होती है जो वहां पर, ठीक है, उनमें उनसे क्या लाभ मिलेगा, उसके आसपास कंडीशंस क्या रहेगी, तो उसी गतिविधि के बारे में अध्ययन करना, एक प्रकार के कार्यकलाप जो इस तथ्य के अनुरूप है कि परिवर्तन व अपेक्षित अभाव की स्थिति में होता है, दूसरा एक प्रकार का कार्यकलाप जिसमें लाभकारी के लक्ष्य ऐसे महत्व के परिणाम पैदा करते हैं कि पूरे समाज अथवा उनके एक खास हिस्से को वे महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो शायद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये हमने देखा, यदि इस टॉपिक में किसी प्रकार की अभी कोई भी आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या और कर सकते हैं हम आपके लिए और बेहतर तरीके से, किस तरीके से कर सकते हैं प्रयास। तो यदि आप यहाँ पर कमेंट्स लिखेंगे या बताएंगे हमें, तो आप देखिए कोई भी पॉजिटिव बात है तो वो भी आप लिखिए, कोई नेगेटिव लगता है तो वो भी आप बताइए, हम प्रयास करेंगे आपके यहाँ पर बेस्ट देने का। हम यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं, ये कुछ लेक्चर्स बनाए हैं आपके लिए और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो अभी कुछ लेक्चर कंटिन्यू देने वाले हैं, जो कि इसमें हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल जो थे यहाँ पर क्या है हमारे जितने भी सिद्धांत हैं उनके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्या है, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, जन्म कैसे हुआ है, सिविक्स का जन्म कहाँ से हुआ है, राजनीति शास्त्र जन्मा कहाँ है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।